शहर की बहुआयामी कला प्रशिक्षण विद्यालय गीत मितान कला केंद्र को कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव में जूनियर सब जूनियर वर्ग में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गीत मितान की डायरेक्टर शिप्रा भौमिक एवं नृत्य शिक्षक नृत्याणी मिथुन दास को नटराज सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दीप्ति देव कल्चरल फेस्टिवल ऑफ परफॉर्मेंसिंग आर्ट्स साल्ट लेक कोलकाता के पूर्वी सभागृह में रविंद्र संगीत, शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य शैली, रविंद्र नाट्यम एवं चित्रकला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में भिलाई की बहुआयामी कला प्रशिक्षण विद्यालय गीत वितान कला केंद्र के प्रतिभागियों ने जूनियर सब जूनियर वर्ग में उल्लेखनीय प्रस्तुतियां देकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए। आयोजन में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। गीत वितान के डायरेक्टर शिप्रा भौमिक एवं नृत्य शिक्षक नृत्यमणि मिथुन दास को नटराज सम्मान से मंच पर चौल मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गीत वितान कला केंद्र की संचालिका सुश्री शिप्रा भौमिक एवं मिथुन दास ने आयोजन की जानकारी दी। गीतविता कला केंद्र द्वारा यहाँ की टीम पूरी गई थी दीप्ति देव कल्चरल फेस्टिवल कोलकाता, जिसमें भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के सहकारिता से यह आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे गीतविता के सभी जितने भी गायन वादन सब नृत्य विभाग के छात्र छात्राएं वहाँ पे गए थे और कुल 28 पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ। विशेष रूप से भौमिक मैडम को संगीत आचार्य एवं मुझे नटराज सम्मान से सम्मानित किया गया। गायन के जितने भी छात्र छात्राएं थे उसमें समूह में हमें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त। एकल गायन में भी ओपन वर्ग में सभी छात्र छात्राओं को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। और हमारे विशेष एक प्रस्तुति थी चित्रकला एवं हमारे गिटार और कीबोर्ड वादन के छात्र छात्राएं जो वहां पे मंच पे 8 मिनट में उन्होंने कैनवस पे अपनी प्रस्तुति दी, उसमें इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का उन्हें अवार्ड मिला एवं उन्हें हमारे सभी विद्यार्थियों को कला वैभव से सम्मानित किया गया। संस्था का संचालन विगत 31 वर्षों से हो रहा है। इस संस्था की स्थापना 1993 1 जनवरी को हुई थी और आज ये संस्था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक पंजीकृत संस्था है एवं भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राज्य शासन से भी हमें सहयोग मिलता आ रहा है। मैं ये 93 में ये संस्था चालू किया, आज 31 वर्ष हुआ। तो मेरा ये है कि मैं छत्तीसगढ़ में सबका घर घर में गुरुदेव का प्रचार प्रसार करेंगे, ये उद्देश्य लेके मैं ये चालू किया। मैं आयोजन में प्रतिभागी रहे गीत वितान के कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और मैं गीत वितान कला केंद्र में 5-6 महीने ही हुए हैं और हमको सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में प्रस्तुति दिए। हम सारे ग्रुप में हुआ था हमारा प्रस्तुति, तो फिर वहाँ हमको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। गीत वितान कला केंद्र का छात्र भी हूँ मैं और एक समाज सेवक भी हूँ। लगातार गीत वितान कला केंद्र की प्रस्तुति देश विदेश में और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। अभी वर्तमान में हम लोग कलकत्ता गए थे, गीत वितान कला केंद्र बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, पूरे भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। हर एक एक्टिविटी में हमारी संस्था बहुत सारे प्राइज लेके आया है। यहाँ अभी 1 साल हुआ नहीं है मेरा गायन का, रविंद्र संगीत का। उस बीच मुझे एक मौका मिला, बहुत बड़ा ही स्टेज मिला है, मंच मिला है जो मैडम और सर की वजह से, इसलिए मैं तीनों में ली हूँ, एकल और डुएट और ग्रुप, तीनों में ही मुझे मिला द्वितीय प्राइज, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ मैडम और सर की। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।